काफी बड़ा एक इतना बड़ा सर्किट है, उसमें बहुत सारा मिट्टी है, ठीक है, ड्राई मिट्टी है, मतलब ड्राई नहीं है, थोड़ा सा मॉइस्ट है क्योंकि नमी की वजह से उसमें है। तो उसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम अपहिल चलेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा अपहिल डाउनहिल करते हुए इधर पर आएंगे। ये वाला जो पोर्शन है देखेंगे, एक के बाद एक क्लियर करेंगे। पहले मुझे देख लेना कि मैंने कैसे किया है, मैं गिर जाऊँ तो हंस भी लेना लेकिन उठाने जरूर आना, ठीक। तो आकर उसको पहले देख लेना कैसे मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद ही करना। जब भी आप अपहिल में जाओगे ना तो एक्सीलरेशन कम नहीं करना, गाड़ी का क्लच नहीं दबाना, ठीक है, क्लच फ्री रख के करना। उसके बाद जब आप डाउनहिल में आओगे तो गाड़ी बंद नहीं करना, गाड़ी हमेशा चालू रखना। और जैसे ये डाउनहिल यहाँ पर आओगे ना आप, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मिलेगा, इतना डिस्टेंस मिलेगा आपको गाड़ी रोकने के लिए, ठीक। जब आप यहाँ आओगे, यहाँ पर ब्रेकिंग करना, एकदम से पूरा लॉक नहीं करना है व्हील को, हल्का ब्रेक लगाना ताकि गाड़ी आपकी रुक जाए। और उसके बाद सीधे जो है आपका ये ऐसा गड्ढा सा आएगा, ठीक है, वहाँ पानी भरा हुआ है, अदरवाइज नहीं तो फिर अभी गणेश विसर्जन हो जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से अपहिल अपहिल डाउन हिल अपहिल होते हुए फिर हम वापस आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और देखते रहना, थोड़ा जो है ना जगह है, ऊबड़ खाबड़ है, एकदम से रश मत करना, एक के पीछे आराम से आना, ठीक है, कोई शक। हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश?
ऑफेल में ऐसा ऐसा है कि कभी कभी ऐसा अचानक से गैप भी है, तो थोड़ा ध्यान रखें ना। नरेश वो आ रहा है। हाँ ओह मजा आ गया। अभी तुम बोलो छोका है गाइडिंग का सिंगल कर डालो क्या? सिंगल नहीं सिंगल हाँ ये वीडियो नहीं पड़ रहा। अच्छा यार वहाँ पर आगे ट्रेल में मुझे पूरा प्लेन है। हाँ प्लेन नहीं मतलब ट्रेल अच्छी है वहाँ। बढ़िया ऑफ रोड हुआ, मज़ा आ गया।